गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास एट विषय वाणिज्य अध्याय पाँच पार्ट टू। पार्ट वन में मैंने आपको रोकड़ बही, कच्ची रोकड़ बही के बारे में बताया था। अब यहाँ पर आपका है जमा नकल बही। अब जमा नकल बही में आपको जितना माल हमने खरीदा है सिर्फ उसकी एंट्री आएगी और उस पर जो खर्च किए हैं वो आएगी। अब इसमें आपको पेज छः मोड़े जाएंगे, छः लाइन वाले बोर्ड में मोड़ा जाएगा, उसी के हिसाब से आपको इसको करना है। तो जमा नकल बही, तो ऊपर बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जमा नकल बही, ठीक है। अब ये जमा नकल बही है और ऊपर वैसे ही आपको एड्रेस लिखना है श्री गणेश सा जी सदा सहाय, श्री गणेशा जी सदा सहाय, सिद्ध श्री ग्रुप संबद्ध, सिद्ध श्री शुभ संबद्ध, ठीक है। तो 2073 उसी तरीके से जैसा उसमें लिखा था, 2073 माघ वदी ये दे है, वदी दिन बुधवार, माघ वदी छः दिन बुधवार, ठीक है। इसी तरीके से दिनांक 12 फरवरी 2006, ठीक है। ये आपको उदाहरण नंबर टू और पेज नंबर आपका है 43, ध्यान से कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसने लिखा है मोहनलाल कानपुर वालों से 5 गांठ मार्किंग 12,000 रुपये प्रति गांठ, 5 गांठ लट्ठा दर 2,000 रुपये प्रति। तो 1200, 5 गांठ है तो 1200 रुपये प्रति, फिर 5 गांठ है 2,000 रुपये प्रति, और फिर 200 रुपये मजदूरी और 100 तथा आड़त के 50 रुपये हैं। बाकी उसने सूरत वाले से 50 जोड़े धोती, 100 प्रति जोड़ा 60, तो दो इसने आइटम करे हैं। तो पहले वाले में आपका है श्री माल खाते के नाम, तो यहाँ लिखोगे श्री माल खाते के नाम। अगर आप जमा नकल वही बना रहे हैं तो माल खाते के नाम, और नाम नकल वही बना रहे हैं तो आप लिखेंगे माल खाते के जमा, बस ये लिखना है। और भाई मोहनलाल कानपुर वालों के जमा, भाई मोहन लाल कानपुर वालों के जमा, ठीक है। अब जो जो चीजें इसने लिखी हैं आप पहले वो करेंगे, तो 6,000 यानी कि 12 प्रति मीटर गांठ के हिसाब से 6,000 रुपये हो जाएगा, तो 6,000 रुपये हो जाएगा आपका मार्किंग 5 गांठ दर 1200 रुपये प्रति गांठ, ठीक है। फिर उसके बाद है 5 लट्ठा, तो लट्ठा 5 गांठ दर 2,000 रुपये प्रति गांठ, 2,000 रुपये प्रति गांठ, तो कितना हो जाएगा 2×5=10,
तो 10,000 रुपये फिर उसने खर्च किया है बारदाना मजदूरी आड़त, बारदाना मजदूरी आड़त ये उसने खर्च किए हैं कितने कितने 200, 100, 50 तो कितना हो गया इसका 350 रुपये, टोटल 350 रुपये, ठीक है। और इसका टोटल 16,350, पूरा टोटल करेंगे तो 16,350, ठीक है। तो इसका टोटल पहले यहाँ लिखोगे 16,350 और 16,350, तो ये आपकी एक एंट्री हुई, ठीक है। ऐसे फिर इसने दूसरी एंट्री की है कि वीरदास सूरत वालों ने 50 जोड़ा धोती, दर 100 रुपये प्रति जोड़ा, 60 साड़ी दर 200 रुपये प्रति साड़ी खरीदी तथा वारदाना के लिए इसने खर्च किए, ठीक है। तो उसी तरीके से आप इसकी भी एंट्री वैसे करेंगे कि जैसे जैसे इसमें हमने करी है, तो दोनों तरफ की एंट्री जब हम कर लेंगे तो उसका भी टोटल सेम ऐसी करेंगे, ठीक है। जैसे ये करा है ऐसी उसकी एंट्री करेंगे, टोटल करेंगे और फिर दोनों का टोटल लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो 16,350 इसका टोटल आया, फिर जो दूसरी चीज़ खरीदी है उसका टोटल करके फिर लास्ट में लिखेंगे। तो ये आपकी जमा नकल बही है। तो जमा नकल बही में जितना माल खरीदा है और जितना उस पर खर्चा किया है सिर्फ वही चीज़ आएगी, ठीक है। और नाम नकल बही में जितना माल बेचा है सिर्फ वही चीज़ आएगी, उसमें आप माल खाते के जमा लिखोगे, माल खाते के जमा, और उसमें लिखेंगे माल खाते के नाम। इसमें अगर जमा नकल में बना रहे हैं तो माल खाते के नाम और जिससे खरीद रहे हैं उसके जमा, और अगर आप नाम नकल वही बना रहे हैं तो उसमें सीधी माल खाते के जमा और जिससे बेचा है उसके नाम, ठीक है। करना वैसी है आपको, तो 6 खाने इसमें बनेंगे। तो ये आपका वाणिज्य उदाहरण नंबर 2 और इसका उदाहरण नंबर 3, ये आपको स्वयं करना है, ठीक है। तो ये आपके मैंने वाणिज्य का आपका क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3, तीन मैंने आपको समझा दिया है, उदाहरण नंबर 2 आपको करा दिया है, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से आपको ये ध्यान से करना है, ठीक है। थैंक यू।